अंतर्राज्यीय गैंग चुरा रहा था शहर से लग्जरी कार, 13 गिरफ्तार। अलीगढ़ थाना कवारसी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 13 सदस्यों को दबोचा। 7 चार पहिया वाहन और 1 बाइक की बरामद। वाहन चोर अन्य राज्यों और जनपदों से वाहन चुराकर अलीगढ़ और बदायूं के गोदाम में रखते थे वाहन को। एक्सीडेंटल वाहनों के नंबर दर्ज कराकर चोरी के वाहनों के करते थे बिक्री। वाहन चोरी का है लंबा आपराधिक इतिहास। वाहन चोरों द्वारा बताए गए अन्य साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पुलिस अधीक्षक नगर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि थाना कवारसी के सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार हमरा फोर्स के साथ वांछित अपराधियों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने क्यामपुर मोड़ पर चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार सवार 4 अभियुक्तों को दबोच लिया। थाना लाकर पूछताछ करने पर अलीगढ़ के थाना कवारसी की गीता विहार कॉलोनी निवासी लवेश ने की निशानदेही पर 8 कार अलीगढ़ से और 8 कार 1 बाइक बदायूं निवासी गिरोह के सरगना प्रवेश के गोदाम से बरामद कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह दिल्ली हरियाणा के अलावा अन्य जनपदों से 4 पहिया वाहन को चोरी कर गिरोह के सरगना के बदायूं स्थित गोदाम में पहुंचाते थे और नहीं चलने लायक एक्सीडेंटल वाहनों को खरीदकर उनकी गाड़ी इंजन और चेसिस नंबरों को चोरी के 4 पहिया वाहन पर दर्ज कर वाहनों की बिक्री करते थे। आरोपियों ने अपने कुछ अन्य साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। कल शाम में एक लवेश नाम के व्यक्ति को थाना कवारसी क्षेत्र में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करने पर पता चला कि इनका एक पूरा गैंग है जो इसी तरह से वाहनों को चोरी करता है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश और आसपास जैसे दिल्ली हरियाणा वगैरह जगह से चोरी करता है। और इनका एक साथी है प्रवेश, जिसका एक गोदाम है बदायूं में, वहाँ पर ये उसे खड़ा करते हैं और गाड़ियों के जो है चेसिस नंबर और बाकी डिटेल्स चेंज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक्सीडेंट वगैरह में कई सारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है और चलने की स्थिति में नहीं रहती हैं, तो उनके कागज़ प्राप्त करते हैं और जो चोरी की गाड़ियां हैं उनके डिटेल्स चेंज करके उन गाड़ियों को उस नंबर पर ये विक्रय कर देते हैं। तो इस संबंध में करीब 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है इस गैंग में और संदीप, नसीम और चंद्रविजय नाम के 3 व्यक्ति फिलहाल फरार हैं। पुलिस के द्वारा इसमें 17 चार पहिया वाहन बरामद किए गए हैं जो संदिग्ध हैं या चोरी से संबंधित हैं, जिन्हें हम निक कर रहे हैं, और एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा गाड़ियों का लॉक तोड़ने वगैरह से संबंधित कई और सामग्री इनसे बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास आपको डिटेल में उपलब्ध कराया गया है। इसमें अलग अलग जिले के रहने वाले हैं ये मेंबर्स, कुछ अलीगढ़ के रहने वाले हैं, कुछ मैनपुरी के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध अलग अलग जगह जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी। अलीगढ़ में भी मुकदमे दर्ज हैं, आगरा में मुकदमे दर्ज हैं, तो इसकी डिटेल आपको उपलब्ध कराई गई है और ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य है थाना कवारसी क्षेत्र का। सर, स्टिकर्स किस तरह के गाड़ियों पर लगे थे, गाड़ियों को बचा? देखिए, इसमें ये जो गाड़ियों के कई डिटेल्स चेंज करते हैं, ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स आपको जब भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मेनली जो है ये चेसिस नंबर सबसे पहले चेंज करते हैं, जो एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त गाड़ियां हैं उनके पेपर्स ऑब्टेन करते हैं, उनके बेसिस पे गाड़ियों में जो है बदलाव करके उन्हें विक्रय कर देते हैं। सर, कुछ स्टिकर्स लग रहे हैं वकीलों के, पत्रकारों के, गाड़ियों के, हो सकता है उसके विषय में जांच की जाएगी विवेचना। RTO विभाग के किसी कर्मी की कोई मिली भगत? फिलहाल ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं है, इसमें विवेचना में जो भी आएगा संज्ञान में उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।